नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाए ये बताने का दावा तो दोनों करते हैं, ज्योतिषी भी और हमारा धर्म भी। फर्क इतना है, ज्योतिषी बताती है कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं, धर्म बताता है हम कहाँ जा सकते हैं और कैसे। ज्योतिषी बताती है हमारे इस जीवन का क्या तात्पर्य है, धर्म बताता है हमारी आत्मा का क्या अस्तित्व है। ज्योतिषी उपाय की बात करती है, धर्म कर्मों की। अब गुरुदेव एक बात करता है कार की, एक इंजन की, और जरूरी दोनों है। तो हम अब कार की डेंटिंग पेंटिंग के बारे में सोचें या इंजन को सुधारने की, क्या ज्योतिषी और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, क्या हमें ज्योतिषी में मानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हम कार की डेंटिंग पेंटिंग में अपना ध्यान केंद्रित करें या इंजन को संभाले? आपने बहुत अच्छी बात की, आपने पूछा है कि हम ज्योतिष को महत्ता दें या धर्म को। देखिए, ज्योतिष की अपनी एक विद्या है, धर्म की अपनी एक विद्या। मेरी राय में ज्योतिष धर्म का ही एक अंग है, अध्यात्म का एक अंग है, उससे पृथक नहीं। हमारे यहाँ ज्योतिष का जो आविष्कार हुआ वो केवल इसलिए हुआ कि उसके माध्यम से हम अपने फलित को जाने और अपने धर्माचरण के बल पर उसे बदले। ज्योतिष तो हमारे भावी को बताता है, बदलता नहीं। बदलने की ताकत तो केवल धर्म में है। तो ज्योतिष ने हमें बता दिया कि तुम्हारा आने वाला समय इस तरीके का है, उसको सुनकर हम सावधान हो जाएं और सावधान होकर अपने आचरण में परिवर्तन ले आए, भावों में परिवर्तन ले आए, तो बहुत अंशों में अपने भावी को पलट सकते हैं। हाँ, कुछ कर्म अटल होते हैं जिसे पलट पाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुधा परिवर्तन हो सकता है और यही आध्यात्मिक उपयोग है। लेकिन वर्तमान में इस कार पर ट्रैक्टर के ड्राइवर सवार हो गए। क्या बोल रहे हैं? मर्सिडीज पर ट्रैक्टर के ड्राइवर सवार हो गए, तो उस पूरी की पूरी गाड़ी को डिसबैलेंस कर दिए, खटारा बना दिए, बदनाम गाड़ी हो रही। क्या बात है, इतनी टोटके बाजी आ गए, धर्म छूट गया। ज्योतिष धर्म से वो कहीं नहीं है, ज्योतिष तो धर्म का पूरक है, क्योंकि ज्योतिष में जो भी समाधान बताए वो धर्म मूलक है। लेकिन आज उसका स्थान अंधविश्वासों ने ले लिया, टोटकेबाजी हो गई, इसलिए ज्योतिष बदनाम हो गया। हमारे तो ऋषि मुनियों संतों ने भी ज्योतिष का उपयोग किया। मुझसे एक बार पूछा गया, आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा मैं ज्योतिष पर विश्वास रखता हूं, पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष पर मेरा विश्वास है, ज्योतिषियों पर नहीं। क्यों? वो ट्रैक्टर के ड्राइवर है, इस मर्सिडीज पर बैठने लायक नहीं। उन्हें इस टूट के बाजी से बचना चाहिए, अध्यात्म मूलक समाधान देना चाहिए, व्यक्ति के मनोआत्मविश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा देना चाहिए, अंधविश्वासों में जकड़ने की नहीं। और उसके अंदर ऐसा मादा लाना चाहिए कि कदाचित मेरा अशुभ समय भी हो तो मैं उसे सहने में समर्थ हो सकूं। धर्म कभी अशुभ को टालने की गारंटी नहीं देता, लेकिन धर्म इतना कहता है कि मुझे अपनाओगे तो अशुभ में तुम संभले रहोगे, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वो सामर्थ है। तो ज्योतिष की विद्या का उसी अनुरूप प्रयोग करना चाहिए।